हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है, क्या बात है, जित जी, मुझे मजा ही आ गया। फैंटास्टिक, थैंक्स फॉर कमिंग। क्या बात है, जब ऐसे गेस्ट आते हैं, वाह, बीच में मजा आ गया, टोका मुझे मजा आ गया। जब ऐसे गेस्ट आते हैं, आर्टिस्टों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। जीतू जी को भी छैया छैया करना पड़ गया। बट वॉट अ लेजेंडरी सॉन्ग। मलाइका जी, क्या लगी थी आप गाने में, जोरदार तालियां, शीज सो गुड यार। थैंक यू सर। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता दूं। क्या क्या? उस गाने में गीता जी भी थी। अरे जी, आप क्यों नहीं थे? क्या आपको ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, या फिर आपके पास घाघरा नहीं था? सर मैं ट्रेन चला रहा था। ट्रेन? अच्छा, चला रहे थे। वेरी गुड यार, वेरी गुड। क्या बात है, इनकी फिल्म आ रही है इनके लिए जोरदार। फिल्म नहीं आ रही, उनका शो आ रहा है आईबीडी इंडिया। वो तो अभी अभी खत्म हुआ था, आज तो दोबारा आ रहा है। ये शो है या फिर कोई लोन की ईएमआई है? ईएमआई एक खत्म नहीं, दूसरी शुरू हो गई। व्हाट इज दिस? मुझे तो पिछले हफ्ते ही पता चल गया था कि इनका शो शुरू होने वाला है। वो कैसे? क्योंकि मैंने टेरेंस को देखा पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, फिर भी पूरी टंकी फुल करवाई, मुझे पता चल गया। फिर जब मैंने वहां पर गीता को देखा, तब तो पूरा कंफर्मेशन हो गया कि शो आने वाला है। तो ये भी गाड़ी की टंकी फुल करा रही थी? नहीं नहीं, ये फुल नहीं करा रही थी, ये इनके पैसे भर रही थी पेट्रोल के। वाह, टेरेंस। यस सर। प्लीज। यस सर। मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, जोक के लिए ना ऐसा सब इधर उधर बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता। अरे वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में मलाइका के साथ आते हैं। खैर, जब मैंने आपको भी देखा, तब तो मुझे पूरा का पूरा कंफर्मेशन हो गया कि शो आने वाला है। तो ये भी पेट्रोल भरवा रही थी? नहीं, ये जिम जा रही थी। तो वो तो रोज जाती हैं। इनके लिए शो गया तेल लगाने, ये जिम जरूर जाती है। कमाल की बात है, जिम ये जा रही होती है, कसरत फोटोग्राफर्स की हो रही होती है। मैडम थोड़ा इधर, मैडम थोड़ा इधर, उनके साइड कम हो गए ऐसे ऐसे करते करते। डार्लिंग से मुझे याद आया। डार्लिंग से ओके सर। अरे उनको दे रहे, गुलाब लड़कियों को दिया जाता है। अच्छा हाँ। जीतू जी की तरफ से गीतू जी को गुलाब जी। हाय हाय, बहुत सारा प्यार है। थैंक यू गीतू जी। जी जी, चलिए बाहर चल के खाते हैं पपीतू जी। वो शो के लिए आई, वो पपीता खाने क्यों जाएंगे आपके साथ? अच्छा, शो के लिए मुझे एक चीज पूछनी थी। क्या? ये जो आप लोगों का रियलिटी शो है, ये हर साल ऐसे कैसे आ जाता है? अरे देश में इतना टैलेंट है, बस आ जाता है। नहीं, टैलेंट वैलेंट तो है। मुझे ऐसा लगता है कि चैनल के किसी आदमी को पीने का बहुत शौक है। क्यों? क्यों? क्योंकि हर रात को हाँ, उसको नाच गाना चाहिए ही चाहिए। फ्लोट कर रहे हैं। सॉलिड। या टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। टेम्परेचर। हमारे सबके आरटीपीसीआर हो चुके हैं, डोंट वरी। गीता, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप कोई अच्छा सा लड़का देख के मुझसे शादी क्यों नहीं कर ले? आपके अंदर जो लड़का है उसको देख के मैं हाँ बोल रही हूँ, फिर से करोगे? क्या बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? सामने अर्चना जी बैठी है। आप अरे, अरे इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। कपिल जी,
मुझे अर्चना जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। कौन सी? के इनमें एक ही बात है, तीन चार होती ना याद करने में बड़ा पंगा होता है। शी इज वेरी नाइस लेडी। यस, मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मुंबई आया था, इतनी तड़कती बरसात हो रही थी, खाने को कुछ नहीं था मेरे पास, अकेला मैं सड़क पे खड़ा था। फिर ये औरत छाता लेके मेरे पास आई। अच्छा। और कहती है, सौ का एक, 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 सौ का एक। जीतू जी, आप करने क्या आए यहाँ पे? कॉमेडी। कॉमेडी। बापरे, आ गए, आ गए अमिता। नमस्कार देवी और सज्जन। नमस्कार। 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 आज हमारे पाँव नीचे हो गए, नमस्कार करोगे? नमस्कार सर। हाँ, मैं यही चाहता था, बस एक बार पैर छू लीजिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार। 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 कैसे हैं? नमस्कार। 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 बिंदु जी, क्या मैं बस आइए आप आइए। अच्छा, बीच में या बड़े सालों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये तो पहले भी आप मुझे यही कहते थे। बिल्कुल। लेकिन वही खूबसूरती, वही चमक, वही खनक। एक बात कहूं दिल से, ये तो स्क्रिप्ट की मजबूरी होती थी जो मैं दूसरी हीरोइन के पास चले जाता था। मुझे आपकी नजरों से मालूम पड़ जाता था। और आप तो जानती हैं कि आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी। बहुत अच्छे। सर, आप हास्य विनोद बहुत अच्छा करते हैं। विनोद होगा आपका, हमारा तो हास्य अभिषेक है। और अरुणा जी कैसे हैं? जी बस जी रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बॉम्बे टू गोवा, ओ यार, नहीं नहीं, हम लोगों ने साथ में की थी। बिल्कुल। एट दैट टाइम गोवा वाज नॉट दैट हैपनिंग। हम जाते थे अर्चना, हमें याद है कि जो ये फॉरेनर देवियां होती थी वो भी फुल स्लीव साड़ी पहन के घूमती थी। इट वाज नॉट दैट। खैर, कपिल जी के यहाँ पर आए हैं। कपिल जी, बहुत बढ़िया। एक चीज पूछनी थी, ये पुराने दौर की जो सुपर स्टार है वो यहाँ पर बैठी हैं जी, तो ये कांचा चीना को अपने सामने क्यों बिठाया? सर, वो कांचा चीना नहीं है जी। अगर वो कांचा चीना नहीं है तो फिर ये मांडवा जैसी औरत यहाँ पर क्यों बैठी है? बच्चन भाई, ये पाए ये तो कह रही थी, ये आपको जानती है, आपका चक्कर था इनके साथ, बच्चू बच्चू बुला रही थी आपको। एक मिनट, सच सच बताइएगा, क्या आपने ऐसा कहा था? सर, बात मैं मजाक कर रही थी। अगर ये देवी जी यहाँ पर मजाक कर रही थी तो आप सज्जन जी यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ये जो मजाक के नाम पे रायता फैलाते हैं ना, उनको मैं संभालता हूँ बाद में। बहुत ही अद्भुत और प्रशंसनीय काम करते हैं आप। बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय नहीं, प्रशंसनीय। हाँ, प्रशंसनीय। अगर हमारा भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो संभाल लीजिए। सॉरी बिंदु जी, कभी कभी ऐसे हमारा हास्य अभिषेक निकल जाता है। मेरी बात ना, आपका हास्य अभिषेक नहीं, आपका कृष्ण अभिषेक निकल रहा है। अरुणा जी, मैं बताती हूँ, ये नकली अमिताभ बच्चन है। नकली होगी तेरी माँ, और नकली होगा उस माँ का नकली बेटा। अगर तुम दोनों में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो मुझे रविवार को आकर मिलना। अगर पोलियो की दो दो बूंदे ना पिलाई तो मैं भी शहंशाह नहीं। बच्चन साहब, ये कह रही थी केबीसी में ऑप्शन भी इसी ने दिए हैं आपको। केबीसी की बात की इन्होंने? हाँ जी। तो समय समाप्ति की घोषणा।
हम ऑडियंस से पोल लेकर अब तुम्हारी लाइफलाइन तोड़ेंगे। अरुणा जी, मैं आपको बता रही हूँ, नकली अमिताभ बच्चन है। अरे काय का नकली अमिताभ बच्चन? नहीं नहीं अरुणा जी, मुझे एक बात बताइए, इस धन्नो जैसी दिखने वाली औरत के लिए क्या असली अमिताभ बच्चन आएंगे कभी? इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। देखिए देवी जी, मैं कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए आपका मैं जुड़ा काटून। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। सारा थूक मुझ पर फेंक दिया आपने। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वाह, ओरिजिनल लगते हैं रिश्ते में बाप। तुम तो रिश्ते में सबके भांजे लगते हो। अगर अब भांजा भांजा किया तो भांजी मार दूंगा मैं यहाँ पर, समझे? अरुणा जी, ऐसी औरतें होती हैं जो खुद की शादी पे अगर कोई ज्यादा शगुन डाल देना तो उसको अपना पति मान लेती है। ये हमारी सहेली। और फिर वो ओरिजिनल बच्चन साहब हैं जो आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। तुम तो इतना गिर गए हो कि गिर गिर के गिरगिट बन गया है। क्या बन गया? गिरगिट बन गया है। गिरगिट, कभी लड़की बनता कभी लड़का बनता। हाँ, बनता हूँ मैं लड़की। बनता हूँ मैं लड़की। कोई भी इंसान अपने घर से लड़की बनकर नहीं निकलता साहब। लड़की बनाता है उसे ये चैनल। ये हंसने वाले लोग, जाओ उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मुझे वैक्सीन करने पर मजबूर कर दिया। जाओ, ये, ये, ये। का साइन लेकर आओ जिससे मेरे पजामे को पेटीकोट बना दिया। मैं अभी इसी वक्त साइन करने के लिए तैयार हूं। कौन से साइन मांगे? किसने आपसे साइन मांगे? खामखा डायलॉग बोली जा रहे हो। सीधा सीधा बोलो, टीवी पे आना है। बोल रहे के बात करो। अपनी नाभी में खैनी डाल के खाती है। Get out from here. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.